पंजाब के शहर रॉयल सिटी पटियाला में आपका स्वागत है। पटियाला जाना जाता है अपनी तीन चीज़ों के लिए, पटियाला जुत्ती, पटियाला सलवार और पटियाला बैग। हम अपनी फूड जर्नी की शुरुआत करेंगे यहाँ के लोकल ब्रेकफास्ट से, जो कि है परोठे, और हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करने वाले हैं दिव्यम सूरी, उनके साथ हम यहाँ का फूड जर्नी शुरू करेंगे। बहुत ही मजा आ रहा है पटियाला विच। इसके अंदर तो मसाला भी डालते हैं, सिर्फ अंडा होता है। आलू वाला हमने कौन सा है अंडा? अच्छा, आलू के ऊपर डालते हैं अंडा, आलू वाला तभी तो खुलेगा। अच्छा, क्या बात है। तो सब में आलू स्टफ्ड है। और एक गोभी का लगा दो, एक गोभी का भी। एक गोभी पराठा, एक गोभी का। तो जो हमारा पटियाला है, ये वैसे तो अगर आप देखेंगे तो है, तो शहर हमारा 10-11 बजे ख़त्म बंद हो जाता है, लेकिन हरबंस ढाबा ऐसा ढाबा है जो 24/7 है। अगर किसी को नाइट लाइफ देखनी है पटियाला की, तो अगर कुछ खाना है, कुछ चाय पीनी है रात के 3 बजे 4 बजे, ये पूरे दिन पूरी रात ये लोग हमें प्रोवाइड करते हैं खाने से। और हम लोग फिर यहीं आके, मतलब आपको यहाँ पे बैठने की जगह नहीं मिलेगी रात को। अभी आपको खाली खाली लग रहा होगा, लेकिन रात को जितना ये भर जाएगा, जितनी लाइवली प्लेस ये है पूरे पटियाला में और कहीं। 24/7 तो आप सोते हैं कि नहीं सोते हैं? नहीं, हम लोग की ड्यूटी शिफ्ट बदलती रहती है। अच्छा, 10 से 10 ड्यूटी हम लोग, 12-12 घंटे की ड्यूटी है। हाँ जी, हाँ जी। हमारे यहाँ का फार्मूला बहुत मशहूर हो गया। फार्मूला बोले तो? हाँ, रामदास का फार्मूला। ये क्या है वो? देखो, पैंपल डाल के बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फार्मूला बनाते हैं, बढ़िया से फार्मूला। हाँ जी, फार्मूला चाय। फार्मूला चाय, चाय रामदास जी का। हम फार्मूला चाय देखें कैसे बनती है, फिर देखेंगे पराठे के साथ फार्मूला चाय ले लेंगे। सुना है कि आपके यहाँ चाय मिलती है, उसका नाम फार्मूला है। चाय का फार्मूला क्या है? ये चाय का फार्मूला, चाय दूसरी होती है, फार्मूला दूसरा होता है। हमें फार्मूला पिलाएगा, होता क्या है फार्मूला पहले बताइए। जैसे फार्मूला है दूध पत्ती है, हाँ, और चाय है जो पानी वाली है। तो फार्मूला कैसे पड़ गया नाम उसका, दूध पत्ती का? उन्होंने अमरीका से तो पता नहीं कहाँ से बंदा आया था, वो डॉक्टर फार्मूला ही नाम निकाल दिया था, उसका फार्मूला पड़ गया चाय का नाम फार्मूला। ये रहा बाकी चाय, हरबंस ढाबा का फार्मूला। हाँ, चीयर्स। ये पटियाला चाय है। हाँ, बिल्कुल मीठा। ये आ गया हमारा पराठा भी, ये आपकी चाय फार्मूला। थैंक यू। तो फार्मूला इसका नाम ऐसे पड़ा है कि यूएस से एक डॉक्टर आए थे, तो उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने यहाँ पे चाय किसी को ऑर्डर की, तो जब उन्हें चाय दी गई ना, तो उन्होंने कहा ये चाय नहीं, ये तो फार्मूला है, कि आप इसका फार्मूला बताइए, इस चाय का क्या है। उन्हें इतनी बढ़िया लगी, तो तब से इसका नाम फार्मूला चाय पड़ गया। तो हमने दो तरह के पराठे लिए हैं, एक अंडे का पराठा और एक गोभी का पराठा। तो सर, इसको आधा शेयर करते हैं। आलू, अंडा सब मिला के पराठा बनाया गया। चाय, मतलब वेयर देयर इज अ वे देयर इज टी। अच्छा, तो आपको हर जगह टी तो मिल ही जाएगी। जहाँ चाय वहाँ राह नहीं है, जितने राह है उतने चाय, उतने चाय। और चाय भरती है फुल ऑन दूध में। ये गोभी के परोठे, ठंड के टाइम पे गोभी के परोठे खाने का अलग ही मजा है। फ्रेश गोभी मिलती है, उसको हल्के मसाले लगा के स्टफ किया जाए, बहुत ही उम्दा स्वाद।
भाई, धन्यवाद। ओके धन्यवाद। अचानक से बारिश वाला मौसम हो गया, बिल्कुल भयंकर ठंड हो चुकी है। हाँ भाई, ये दिन में रात हो गई। सर बताएं कौन सा ट्राई करें, लस्सी? पहली बार आए हो यहाँ? जी पहली बार आए हैं। स्वीट लस्सी? स्वीट लस्सी प्लेन। अगर आपको फ्लेवर पसंद है तो मैंगो भी है। हाँ और खोया बादाम कैसा है? खोया बादाम भी अच्छा है। अरे एक खोया बादाम कर दो आप, एक चॉकलेट कर लेते हैं। एक चॉकलेट लस्सी कर दो। जैसे पटियाला पैक होता है वैसे पटियाला लस्सी है, है कि नहीं? मिल्क केक, गाजर पाक, तिलबुग्गा और खोया बर्फी। ये चॉकलेट बर्फी है। ये आगे चॉकलेट बर्फी। चॉकलेट बर्फी। चीयर्स। चीयर्स। हाँ बहुत ही बढ़िया था। लस्सी के साथ साथ खोए का टेस्ट भी आ रहा है। बहुत ही क्रीमी थिक लस्सी, क्रंचीनेस के लिए बादाम ऊपर में। अभी आपने चीनी नहीं डाला, शायद चीनी का थोड़ा टेस्ट आ रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है इसमें। चीनी ज़्यादा मीठा हो जाता है, प्रॉपर चॉकलेट का टेस्ट आ रहा है इसमें। पटियाला स्टाइल में एक लस्सी देना भाई। तो इसमें से जो पांच बर्फी, इसमें दो से विंटर के टाइम बनती है, ये काजर पाक और तिलबुग्गा। तिलबुग्गा बाकी सीजन और से मिल जाती है। ये तिलबुग्गा ट्राई करते हैं। एक खोआ सफ़ेद तिल। इनफैक्ट मैं आज सुबह ही पढ़ रहा था, किसी ने कंपैरिजन किया है कि दूध और सफ़ेद तिल में कितना कैल्शियम होता है। दूध से ज़्यादा कैल्शियम तिल में पाया जाता है। अच्छा, खाना चाहिए? खाना चाहिए, बिल्कुल खाना चाहिए, मतलब हेल्दी है। और ये ठंड में टाइम खाना चाहिए, गर्म भी रखता है, बॉडी को वार्म करता है। और ऐसा है कि पूरे इंडिया में ठंड के टाइम पे तिल की कितनी सारी चीज़ें बनती हैं। आप बिहार में जाएँ, वहाँ गया में तिलकुट बनते हैं, उसके बाद फिर रेवड़ी बनती है मेरठ में, इसके गजक बनते हैं, तिलबुग्गा बनता है, कितने आइटम्स विंटर्स में आ जाते हैं इसके। और लोहड़ी पे तो ये स्पेशल है ही। ये तेल मीठा है, प्रॉपर इसमें चॉकलेट का टेस्ट है। ये हमारी स्पेशलिटी है सर, चॉकलेट बर्फी। नहीं सभी जो काम करने ठीक करते हैं, अपनी तरफ से कोशिश होती है कस्टमर को पसंद आए। वाला नहीं, गाजर पूरा पीस दिया है। हाँ जी, हेवन अल्फांसो क्रश भाई साहब, इससे बढ़िया मैंगो लस्सी मैंने आज तक नहीं पी। मतलब मेरी फेवरेट है मैंगो लस्सी। हम लोग हाँ बिल्कुल मैंगो शेक लग रहा है, और बीच बीच में चंक्स भी आ रहे हैं मैंगो के। हमारी स्पेशलिटी हमारी दही है ना, जो हमारे पास जमाने का एक ढंग है इसका, जाग लगाते हैं प्रॉपर एक टेम्परेचर पे, तो तीन दिन खट्टी नहीं होती, मीठी रहती है। इसीलिए आपको लस्सी का टेस्ट जो लस्सी इसमें क्रश भी डाल रहे हैं तो आपको ऐसे लग रहा है खट्टापन आ ही नहीं रहा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं लग ही रहा। लस्सी है लस्सी।
मतलब ये तो क्रिएटिविटी है कि मतलब लस्सी के भी इतनी वैराइटीज़ बनाना, जब हम लस्सी वगैरह सिर्फ दिमाग में दो चीज़ें आती हैं, मीठी लस्सी और नमकीन लस्सी। नमकीन में थोड़ा भुना जीरा डाल दिया, काला नमक डाल दिया, नमकीन लस्सी हो गई, और मीठी शक्कर के साथ बना लिया, साथ में मलाई की परत डाल दी, बस लस्सी तैयार। लेकिन लस्सी में भी कितने फ्यूजन वैराइटीज़ आपने बनाए हुए देख के हैरान हूँ। पाइनएप्पल बनाना, पान लस्सी, कच्चा आम लस्सी, पीच, लीची, ऑरेंज, मिक्स स्ट्रॉबेरी, बनाना, फ्रूट बेरी, ग्रीन एप्पल, पोमोग्रेनेट। अनारदाना चौक आ चुके हैं और मैं आपकी खाने की शुरुआत करवाऊंगा यहाँ के बहुत ही फेमस स्वीट कॉर्नर से, जो कि है मल्होत्रा स्वीट शॉप। यहाँ पे इनके पकौड़े बहुत फेमस हैं, फाइव स्टेज हो गई, और आप यहाँ देख सकते हैं कि इनका पनीर पकौड़ा जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे अलग अलग तरह के आपको पकौड़े मिल जाएंगे। इससे पहले बारिश हो, चलिए पकौड़ा बनवाते हैं, अंदर चलते हैं। दो ही लोग हैं पटियाले में आप बच्चे जो कोले की भट्टी यूज करते हैं। कौन कौन? एक ये, एक वो साधु राम का लड़का पूरियों वाला, वो क्या बनाते हैं? वो पूरी बनाते हैं, पूरी पूरी कचौरी, पूरी कचौरी समोसा। ओहो, गरम गरम पूरा मशरूम ही है इसके अंदर में। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल फ्रेश पकौड़े, क्रिस्पी, और इसमें कुछ चाट मसाला वसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल पकौड़े। मतलब बारिश में पकौड़े खाकर तो अलग ही मज़ा आ रहा है। ये पनीर पकौड़े, वाह, यहाँ पे दूध की जो बनी चीज़ें हैं, चाहे वो पनीर हो, दही हो, मक्खन हो, इसे कुछ कहना ही नहीं है। पंजाब जाना जाता है अपने इसके लिए, जो प्योरिटी है मिल्क का, आप देखेंगे पनीर का पकौड़ा आपके मुंह में घुल जाएगा। हाँ, ये हम आ गए साधु राम। मतलब कचौड़ी चलती है पंजाब में, लोग पसंद करते हैं पटियाला में। संडे को, जैसे संडे छुट्टी होती है ना, तो यहाँ पे रश लगा होता है लोगों का। करछी भी आपकी पीतल वाली है? हाँ जी, पीतल के पटेला है सर, पीतल करछी है। कितने साल पुरानी दुकान हुई है ये? तो अभी 5 महीने हुए हैं, जो पहले वाली दुकान है वो तो 50 साल पुरानी है। यहाँ पे अभी शिफ्ट हुए हैं ये? तो अभी 5 महीने हुए। उड़द दाल की कचौड़ी, आलू की सब्ज़ी और इमली पुदीने की चटनी, ये है पटियाला के फेमस साधु राम की कचौड़ी। बिल्कुल खस्ता कचौड़ी, वाह, मतलब पटियाला में भी इतनी अच्छी कचौड़ी मिलेगी। बहुत बढ़िया साहब, चटनी तो बहुत ही बढ़िया है। तो सर ये कचौड़ी पूरे दिन मिलती है? हाँ सर। सुबह कितने बजे शुरू कर देते हैं? करीबन 8 बजे से लेकर शाम को 6:30-7 बजे तक। अच्छा, चलता रहेगा। समोसे से समोसा मिलेगा 10 बजे के बाद। हाँ जी, और कचौड़ी सुबह मिलनी शुरू हो जाती है 8 बजे? सुबह पहले फाटने में कचौड़ी बनाते हैं, फिर पूड़ियाँ शुरू करते हैं 2 बजे तक, 8:30-8 बजे से लेकर पूड़ियाँ 2 बजे तक, सुबह बंद। उड़द दाल की पिट्ठी होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें मिलाते हैं? वो सर पहले उड़द दाल को भेज देते हैं, आधी बिना छिलके वाली, आधा छिलके वाली, उसको कटनी भेज दिया, फिर उसको पिसा दिया, पिसा के फिर हम मसाले पा के फिर उसको भरा जाता है। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? पीछे यूपी आजमगढ़ का सर। दुकान आप ही की है? नहीं सर, हम नौकर हैं, मालक कोई और है। अच्छा। वो तो साधु राम है ना, उनका है, हम तो यूपी का सर। अच्छा, तो आप ही बनाते हैं कचौड़ी? लेकर कचौड़ी हम बनाते हैं सर। तो स्वाद यूपी वाला है? पाँच बंदे हैं कारीगर, सब मिल के बनाते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो स्वाद है वो यूपी वाला स्वाद है, है कि नहीं? बहुत ही बढ़िया। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मनोहर लाल। तो अब
हम आ चुके हैं जुत्ती मार्केट और यहाँ पे आपको बहुत तरह के एम्ब्रॉयडर्ड जुतियाँ मिल जाएंगी जो कि आप पार्टी वेयर एज वेल एज घर पे पहन सकते हैं। बाकी पटियाला जाना ही अपनी जुतियाँ करके जाता है, तो एक बार देखो मेरा मारो जो आपको पसंद आती है वो लीजिए। हाँ पटियाला वाली फील आ रही है थोड़ी। पटियाला जूती तो आपने ले ही लिया है, तो पटियाला में जो दूसरी चीज़ फेमस है वो है पटियाला के सूट और पटियाला सलवार। तो आइए आपको मैं यहाँ शॉप पे दिखाता हूँ, ये हमारी शॉप है। आपको यहाँ फुलकारी वगैरह मिल जाएगी जो कि पटियाला में एक और चीज़ फेमस है, ये देखिए इसको फुलकारी बोलते हैं। हाँ जी, ये एम्ब्रॉयडरी होती है दुपट्टे पे, इसको फुलकारी बोला जाता है। ये देखिए ना, इस एम्ब्रॉयडरी वर्क को बोलते हैं फुलकारी। हाँ, जैसे लखनऊ का चिकन। हाँ जी, लखनऊ का चिकन होता है जैसे, वैसे पटियाले की फुलकारी। ये पटियाला सबसे वन ऑफ दी ओल्डेस्ट शॉप्स है जो यहाँ पे जूस सर्व करते हैं। सर ये आपकी शॉप कितनी पुरानी है? ये हमारी कोई 50 साल पुरानी दुकान है। 50 साल है। आपके फादर साहब ने शुरू की होगी? हाँ जी हाँ, फादर साहब ने की है। ओके, अभी भी है वो, कोई ऐसी बात नहीं, सुबह घंटा आते हैं शॉप पे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए कितने लेयर्स दिख रहे हैं इसमें और कितने कितना कलरफुल भी है। ये पटियाला, ये एक्चुअल पटियाला जूस लग रहा है जिसमें सब कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लग रहा है। बहुत ही रिफ्रेशिंग। ठीक है सर। हर एक चम्मच में एक नया जायका है। कभी आपको पपीते का ज़्यादा स्वाद आएगा, मैंगो कम आएगा, कभी मैंगो ज़्यादा आएगा, कभी पपीते का कम आएगा, कभी रोज़ का टेस्ट आ रहा है, कभी चॉकलेट का आ रहा है, कभी ड्राई फ्रूट के क्रम्स आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। धन्यवाद जी। ओके सर, मज़ा आ गया। शॉप बंद हो चुकी थी लेकिन अब हम इनके घर आए हैं कुलचा खाने। ऑक्सफोर्ड कुलचे वाले हैं इनका। ऑक्सफोर्ड इनका नाम ऑक्सफोर्ड कुलचे वाला इसलिए पड़ा है क्योंकि इनके बिल्कुल सामने ऑक्सफोर्ड स्कूल है, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल। तो ये ऑक्सफोर्ड कुलचे वाले के नाम से फेमस है। इनका कुलचा लोग दूर दूर से खाने आते हैं। अगर आपको कोई बोले कि अदालत बाजार में छोले कुलचे खाने हैं तो वो ऑक्सफोर्ड वाले के ही खाने हैं। क्या बात। कितना साल हो गए आपको ये काम करते हुए? 20 साल हो गए। 20-22 साल हो गए। क्या बना रहे? चना कुलचा। हाँ जी। मटर कुलचा? नहीं, चना कुलचा। ये क्या लगाया ये इसमें? आलू मसाला। तो ये आलू की पीट होगी, इसमें नमक होगा। हाँ, इसमें मिर्च होगी, लाल मिर्च होगी, काला नमक, चिट्टा नमक और वो क्या कहते हैं मिर्च, उसकी पिट्ठी बना के। अच्छा जी, वाह, ये काफ़ी अलग स्टाइल है कुलचा बनाने का। पहले कुलचा को बिल्कुल उसका पॉकेट हाँ, बना लिया। हाँ जी, ये ऐसे ही बना के ना हमने वहाँ पे भेजे थे, दूसरा दे कनाडा भेजे थे। कनाडा? हाँ। तो कुलचे ऐसे कनाडा जाते हैं? कनाडा। क्या बात है। सबसे पहले आलू की पिट्ठी डाली, उसके बाद काले चने डाले, उसके बाद पनीर घिसा, फिर तीन तरह की चटनी गई, गार्लिक चटनी, टोमेटो केचप और उसके बाद धनिया पुदीने की चटनी और फिर बटर भी गया। उसके बाद फिर इसको सेका गया तवे पे मक्खन लगा के, इसको आप कह सकते हैं चना कुलचा सैंडविच। बिल्कुल खूबसूरत मक्खन लगा हुआ है, बिल्कुल क्रिस्प बाहर से
अंदर में जो एक एक इंग्रेडिएंट डाला है उसका टेस्ट आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत ही यूनिक स्टाइल का है। मैं तो इस तरह का कुलचा मैंने पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं खाया। हमारे जो पटियाला के कुलचे हैं वो स्कूल स्टूडेंट्स जो है ना, जो स्कूल के बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर खाते हैं। जैसे उनके जैसे ही स्कूल ख़त्म होता है तो 1 बजे 2 बजे यहाँ रश लग जाता है और इनका 3 बजे तक सारा सामान ख़त्म हो जाता है, तो इनको भी ऐसे फटाफट फटाफट। आज भी हम देखे 3:30 बजे आए हैं तो इनका पहले ही सामान खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि पहले ही स्कूल के बच्चे खा चुके हैं। ये मस्ट ट्राई डिश है, पटियाला में आया अगर ये मिस किया तो मतलब कुछ नहीं खाया फिर, ये तो मस्ट है मैं कह सकता हूँ। तो इसको बोलते हैं रूसी चने। रूसी चने मतलब चने राजस्थान से आते हैं, बनते पटियाला में और जाते कनाडा तक हैं। जाते कनाडा के, वाह। मतलब ये मेरे को इतनी बढ़ाई करते आ रहे हैं पूरे दिन, इन्होंने कहा है कि ऐसे लोग आप जाते हो ना मूर्थल पराठे खाने के लिए, आप कुछ ना पटियाला आओगे बटर चिकन खाने के लिए। पटियाला की पहचान है सानी ढाबा, और तो बटर चिकन तो ट्राई करेंगे, और कुछ स्पेशल आप बताएं वो भी ट्राई कर लेंगे। सब बेस्ट है सर। सब बेस्ट है। हाँ जी, अब जो खाओ बेस्ट है। बटर चिकन ट्राई करेंगे। उससे पहले बटर चिकन आए, थोड़ा अपने ढाबे के बारे में बताएं, कब शुरुआत हुई, अपने बारे में बताएं। हमारे सर ग्रैंड फादर साहब हैं, 2-3 साल से शुरुआत की थी, एक रेडी से शुरुआत की थी। अच्छा। बेसिकली हम रेडी से शुरुआत की थी, फिर एक शॉप ली, फादर साहब ने बहुत मेहनत की है मेरे, फादर साहब ने फिर एक शॉप सेकेंड थर्ड और 5 शॉप्स हैं इकट्ठी जोड़ी हुई है, पूरा हॉल है ये। बाकी सर एक छोटा ब्रदर है मेरा, वो न्यूजीलैंड में है, बस बस लोगों का प्यार है, काम कर रहे हैं, लोगों को प्यार मिल रहा है, अच्छा काम चल रहा है, पुराने कस्टमर आ रहे हैं, इनका प्यार ही आगे बढ़ा रहे हैं बस। जो कीमा है वो मटन का है और बन रहा है रारा चिकन, चिकन के पीसेस हैं। तंदूरी रोटी भी इतनी फूली हुई, उसके ऊपर से अजवाइन तिल और कलौंजी, बहुत ही सॉफ्ट है, जूसी है। जो ग्रेवी है बटर चिकन की ज़्यादा मीठी नहीं है, एक तरह से दोनों का मिक्स है, चिकन करी और बटर चिकन का भी अच्छा स्पाइसीनेस भी है इसमें, हल्का सा स्वीटनेस भी है टमाटर का, साथ में इसमें खोआ डला हुआ है, मगज़ डला हुआ है, काफ़ी मसाले भी डले हुए हैं, सबका प्रॉपर फ्लेवर आ रहा है। अब ट्राई करते हैं रारा चिकन, ये थोड़ा स्पाइसी, लाल मिर्च का इस पर छोंक लगाया है। इसमें दोनों का स्वाद है, आपको मटन भी खाने को मिल रहा है, आपको चिकन भी खाने को मिल रहा है। ये मिस्सी रोटी है, इसमें प्याज भी है, अजवाइन और जीरा। कहाँ आ गए हम? ये हम आ गए हैं YPS मार्केट, जो कि यादविंद्र पब्लिक स्कूल के सामने है। YPS स्टैंड्स फॉर यादविंद्र पब्लिक स्कूल, तो ये उसके सामने वाली मार्केट है। और ये हमारे ना पटियाला का गेड़ी रूट का एक वन पॉइंट है, जैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गेड़ी रूट है हमारा, जिसे कहते हैं हम YPS 22 नंबर गेड़ी रूट। तो ये ओरिजिन ऐसे हुआ कि 22 नंबर में जो है वहाँ पे कैफेज बहुत थे पहले शुरू में, और YPS जो स्कूल था उसके सामने वाली मार्केट तो पहली पॉपुलर थी। तो जैसे लड़के टीनेजर्स यंगस्टर्स शाम को गाड़ी लेके निकलते थे ऐसे अपनी शान दिखाने के लिए, रॉयल सिटी में रॉयल्टी दिखाने के लिए, तो वो एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक टू एंड फ्रो ऐसे गेड़ी मारते होते थे। तो तब से यहाँ का नाम YPS 22 नंबर का गेड़ी रूट पड़ गया। गेड़ी रूट, और हर शहर का अपना एक अलग गेड़ी रूट है, चाहे वो चंडीगढ़ हो। आपने चंडीगढ़ में देखा होगा सेक्टर 17 में एक वहाँ पे मिनी आईफल टावर है, वो उसका अलग गेड़ी रूट है।
वैसे ही पटियाला में यहाँ है। जैसे आप देखेंगे गेड़ी के लिए आपको एक कार चाहिए, कोई बड़ी एसयूवी हो कुछ हो, और या फिर आपने अगर टू व्हीलर पे हैं तो पटियाला में जो टू व्हीलर सबसे ज्यादा चलता है वो है बुलेट, जिसको हम बुल्ट बोलते हैं। बुल्ट अलग अलग तरह के जो पानी की शुरुआत है वो अंबाला से हुई। हाँ जी हाँ जी सर, वहाँ गोलगप्पे मिलते हैं, करंट के गोलगप्पे, करंट वाले भी हैं जी, हमारा जो है काका जाट के नाम से वहाँ पे। अच्छा, रिलेटिव हैं उनसे हमने सीखा जी। तो सतरंगी में कौन से फ्लेवर्स होते हैं सर? हैगा जीरा, पुदीना, हिंग, ऐसे हम नॉर्मली काली मिर्च रखते हैं उसमें, अब गावा रखा हुआ है, टू फ्लेवर है, तो एक सिंपल मीठा हो गया, फिर दही चटनी वाले। क्या बात, तो ये ऐसे ही प्लेट में सर्व करते हैं? हाँ जी हाँ जी, सिंगल सिंगल पीस सिंगल खिलाते हैं कि एक प्लेट में दे देते हैं? छह तो अलग अलग खिलाए, हमें एक एक करके। क्या बात, मीठा पानी, गुआवा, हींग, पुदीना, जीरा और दही वाला वो लास्ट में खिलाएंगे। तो सतरंगी में एक दो तीन चार पाँच हुए, अच्छा। जीरा, तो सात फ्लेवर्स हैं, पहला फ्लेवर जीरे का। वाह, गुलगप्पे कितने फ्रेश हैं, ये पुदीने का है। ये थर्ड कौन सा दिया आपने? हींग वाला। ये गुआवा का पानी बेस्ट। ये फाइनली एंड करने के लिए दो और फ्लेवर्स आए हैं, इनफैक्ट दो फ्लेवर्स बोले या दो और अलग तरह के गोलगप्पे आए हैं, एक दही गोलगप्पा है और एक चटनी वाला गोलगप्पा है। चटनी वाले में सॉल्ट है, मीठी सौंट और धनिया पुदीने की चटनी, काले चने, गार्निश करने के लिए थोड़ा सा अदरक डाला गया है, वही सेम चीज़ इसमें, इसमें हालांकि दही भी डाली गई है। तो ये फाइनली इससे एंड करते हैं, मेरे ख्याल से पहला चटनी वाला जी, उसके बाद लास्ट में दही वाले से एंड करेंगे। बहुत ही बढ़िया, तो हम फाइनली एंड कर रहे हैं अपने सतरंगी गोलगप्पे का सफ़र दही वाले गोलगप्पे से। आइए, Cheers. धन्यवाद, हैप्पी लोहड़ी। धन्यवाद जी, हैप्पी लोहड़ी जी। अभी भी पटियाला की एक चीज़ अभी हमारी रह गई है टूर में, वो है पटियाला पैग, वो भी आएगा, वो हम एंड के लिए छोड़ते हैं जी। पटियाला पैग कितने एमएल का होता है? 90 एमएल का। हमने सुना है कि वो उंगल ऐसे होने चाहिए या ये होना चाहिए? ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। एक उंगली का ये जो हिस्सा है 30 ml 30 30, तो तीनों मिला के 90 ml होगा। अगर हम ऐसे रखते हैं ना जी, 90 हो जाएगा। अच्छा, तीन उंगल में। हाँ, इसकी कहानी क्या है? तो जो हमारे महाराजा भूपेंद्र सिंह थे, जो महाराजा रंजीत सिंह जी थे यहाँ के पटियाला के, तो उन्होंने ये ओरिजिनेट किया पटियाला पैग हमारा, तो ये पटियाला पैग का नाम ही वहाँ से पड़ा है। वो क्या करते थे, वो एक पैग लेते थे रोज डेली रात को, और वो क्या करते थे, वो अपनी ऐसे तीन उंगलियों से कहते थे कि जितनी मेरी उंगलियाँ उतना पैग बनाइए। तो जब वो पैग बनता था तो वो ऑटोमेटिकली 90 ml to 120 ml के बीच का पैग बनता था, और वो एक ही पैग होता था, तो इसलिए वो एक ही पैग में उनकी पूरी रात गुजर जाती थी। और यही पटियाला पैग की कहानी है जो पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हो गई, कि जो जाते हैं इस लोग बोलते हैं एक पटियाला लगाना है, हर गाने में, हर मूवी में, कहीं भी आप देखें पटियाला पैग के तो हर जगह ही ये रहता है। बस 90 ml यस, अब इस
इसको आप ऐसे सीख ले सकते हैं, तीन उंगली रख तीन उंगली रख के। हाँ जी ये सही बात है, ये तीन उंगली रख के सब। Cheers. Okay. Cheers, sir. Cheers. Happy Lohri. Happy Lohri. Same to you. Cheers. दो चार मशरूम के पकौड़े, बहुत ही वधिया, ये बहुत ही मज़ा आ रहा है। असी पटियाला विच असी परोठे खाने, लस्सी पीनी, मैंने पंजाबी ठीक से आती नहीं है, कोशिश कर रहे हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है। लोग बड़े चंगे आए, अच्छी अच्छी गल्ला करते हैं, मज़ा आता है, लंबे लंबे पैग लगाते हैं। चल बस नहीं 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 चलते हैं, शूट करेंगे फटाफट। टाइम थोड़ा कम है, टाइम थोड़ा कम है, कोई नहीं फिर कभी आपकी तो इन्हीं की दुकान है ये अपने पापा को कह रहे हैं फिर कभी पापा जी फिर कभी कॉफी पी लेंगे, आज हमारा जूस पीने का दिल है। मैंने तो आना ही है, फिर से आना ही है। चलिए पटियाला पैग ला छड़ी दा, चलो ये चले हम गेड़ी मारने पटियाला।